हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नए चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था रूप्स। ठीक है, तो रूप्स के बारे में हम देख रहे थे, इसके हमने 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका 6ठा पार्ट करेंगे, 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में आज हम देखेंगे ग्रिड फॉल सीलिंग। तो हम देख रहे थे सीलिंग के जो टाइप्स देख रहे थे, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं वो देख रहे थे। तो फर्स्ट हमारे पास जिप्सम बोर्ड था, सेकेंड हमारे पास है ग्रिड फॉल सीलिंग। तो ग्रिड फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें, ग्रिड फॉल सीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। तो ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल सीलिंग है, जैसे कि हमारे पास जिप्सम बोर्ड था, यूज्ड इन द कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस। तो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में ये यूज किया जाता है। दीज टाइप ऑफ सीलिंग्स आर सूटेबल फॉर लार्ज रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो लार्ज रेंज ऑफ एप्लीकेशन में ये सूटेबल है। देर आइडल फॉर कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग के केस में ये बहुत आइडल है, जहाँ पे बहुत सारी वायर्स हमारे पास हों। These metal ceiling panels are installed either on steel T sections or cross sections and then suspended by rods. ठीक है, तो ये जो भी metal ceiling है, ये जो metal ceiling होती है, grid fall ceiling metal ceiling होती है, metal ceiling panels होती है, ये हमारे पास install की जाती है either on steel T sections पे। ठीक है, आइदर ऑन स्टील टी सेक्शन पे, या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शंस पे, एंड देन सस्पेंडेड बाय रॉड, और रॉड्स के साथ सस्पेंड की जाती है। इसमें हम टाइप्स देखें, ग्रेड सीलिंग मटेरियल की टाइप्स देखें, इसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है मिनरल फाइबर ग्रेड सीलिंग, दूसरा आ जाता है मेटल ग्रेड सीलिंग। ठीक है, इसके मेन फीचर्स देखते हैं हम कि ये हम क्यों यूज करते हैं, इसके दैट मीन्स इसके एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। इजी टू इंस्टॉल, ये इजी होती है इंस्टॉल करने में, इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू मेंटेन। इंस्टॉल करनी इजी और मेंटेन करनी भी इजी होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। द टाइल्स कैन बी रिप्लेस्ड विद लिटिल और नो एफर्ट। तो जो टाइल्स हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इजली। देन ग्रिड सीलिंग और इकोनॉमिकल, ये जो सीलिंग है इकोनॉमिकल हमारे पास होती है, इसमें पैसा कम लगता है, खर्चा कम आता है। देन इजी टू मेंटेन, एज यू कैन रिमूव द सीलिंग टाइल्स व्हेनेवर यू वांट। मतलब इसकी जो मेंटेनेंस है वो इजी हो जाती है। मेंटेनेंस इजी क्यों होगी, क्योंकि हम इसकी जो टाइल्स हैं उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। दे हैव मोनोलिथिक डिजाइन, इसका जो डिजाइन होता है मोनोलिथिक डिजाइन होता है। ग्रिड सीलिंग हैव वेरी गुड साउंड प्रूफिंग कैपेबिलिटीज, तो साउंड प्रूफिंग कैपेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है, मतलब हमारे पास ग्रिड सीलिंग की। जनरल साइज यूज एज, इसका जो साइज हम यूज करते हैं 600x600 mm का साइज होता है, बट अवेलेबल इन अदर साइज में भी ये अवेलेबल होता है, लाइक 300x300x1200 mm एटसेट्रा। तो बहुत सारे इसके साइजेस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो जनरल साइज है वो 600x600 mm का हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल यूज होता है फॉल सीलिंग में वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स इसको हम पीओपी सीलिंग भी बोलते हैं, या फिर मुर्गा जाली सीलिंग भी बोलते हैं, मुर्गा जाली सीलिंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉल सीलिंग, तो ये भी एक मोस्ट कॉमनली यूज फॉल सीलिंग है। इट इज चीपेस्ट अमंग ऑल द फॉल सीलिंग, तो ये चीपेस्ट है सबसे, जो हमने पीछे देखे दो टाइप देखे उससे सबसे सस्ता जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर एंड इज अप्लाइड टू फाइबर बोर्ड और वुड बेस। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, इसको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ मिक्स करने के बाद इसको हम अप्लाई करते हैं फाइबर बोर्ड पे या फिर वुडन बेस पे, विच सस्पेंडेड टू फॉर्म द सीलिंग। जो हम वुडन बेस से सस्पेंड किए होते हैं हमने, मतलब फॉल सीलिंग के लिए, उस पर हम अप्लाई करते हैं। इट रिक्वायर्स आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप, तो जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको अप्लाई करने के लिए हमें आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप की जरूरत पड़ती है, मतलब टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है। इसके हम फीचर देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो फीचर्स हैं वो हम देखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये सीलिंग्स हैं। इट इज द चीपेस्ट, जैसे कि हमने ये ऊपर ही देखा कि मोस्ट कॉमनली यूज है और चीपेस्ट सीलिंग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर एंड इज अप्लाइड टू फाइबर बोर्ड और वुडन बेस, तो जो हमने ऊपर देखा वही हमारे पास यहाँ पे है। फीचर्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो फीचर्स इसमें हमारे पास हम देखें तो यहाँ पे है, फर्स्ट है स्मूथ फिनिश। ठीक है, इसका जो फिनिश होता है वो स्मूथ होता है, स्मूथ होगा तो देखने में भी अच्छा लगे।
सरफेस कैन बी पेंटेड एंड कस्टमाइज, जो सरफेस है उसकी उसको हम पेंट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। इजी टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना इजी है। देन लाइट वेट, ये जो इसका जो वेट होता है वो कम होता है। देन इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो 12 to 15 mm इसकी थिकनेस होती है। प्राइस डिपेंड्स ऑन द डिजाइन पैटर्न, जो प्राइस है वो डिपेंड करती है उसके डिजाइन पैटर्न पे, डिजाइन कैसा है उस पर डिपेंड करती है प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्लाईवुड सीलिंग। प्लाईवुड सीलिंग की अगर हम बात करें, प्लाईवुड सीलिंग आर पॉपुलर फॉर देयर विजुअल अपीलिंग एस्पेक्ट। तो ये जो मतलब जो प्लाईवुड सीलिंग है वो पॉपुलर है विजुअल अपीलिंग एस्पेक्ट्स के लिए, मतलब ये देखने में बहुत अच्छी लगती है प्लाईवुड सीलिंग। दीज टाइप ऑफ सीलिंग आर क्रिएटेड विद स्ट्रिप्स ऑफ प्लाई विच आर आइदर नेल्ड आर ग्लूड टूगेदर, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं, प्लाई की स्ट्रिप्स यूज करते हैं, जो प्लाई होती है उसकी हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, चिपकाते हैं नेल से, किल से चिपकाते हैं या फिर ग्लू से चिपकाते हैं। द स्ट्रिप्स आर सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाई, ठीक है, प्लाई की हेल्प से उसको हम सपोर्ट कर आते हैं स्ट्रिप्स को। प्लाईवुड सीलिंग ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन प्लेसेस विद कोल्ड क्लाइमेट, तो कोल्ड क्लाइमेट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स हम देखें प्लाईवुड सीलिंग के, वो हमारे पास है, दे आर स्ट्रांग, ठीक है, ये स्ट्रांग होती है प्लाईवुड सीलिंग। देन हम बात करें अलाउज डिफरेंट शेप्स एंड कस्टमाइज डिजाइन, तो डिफरेंट शेप में हम इसको बना सकते हैं और इसका कस्टमाइज डिजाइन हम कर सकते हैं। कैन बी ट्रीटेड फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन इसका जो होता है स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, डिफिकल्ट टू मेंटेन, लेकिन ये जो मेंटेन करनी होती है डिफिकल्ट होती है। अपीरेंस चेंजेस विद टाइम, जो इसका अपीरेंस है वो चेंज करता है टाइम के साथ। देन एक्सपेंसिव ये होती है, ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स है। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो मटेरियल यूज़ किया जाता है सीलिंग में वो है पीवीसी, पीवीसी फॉल सीलिंग, दैट मींस हम इसमें पीवीसी यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी सीलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज, तो ये भी मोस्ट कॉमनली यूज है, मतलब पीवीसी भी हम मोस्टली यूज करते हैं। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, तो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, जो क्लीनिंग है और मेंटेनेंस है उसकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है पीवीसी। दिस टाइप ऑफ सीलिंग इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, मतलब कोई भी क्लाइमेट हो, कैसा भी क्लाइमेट हो तो उसमें सब में ये सूटेबल है पीवीसी। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स फ्लश फिटिंग एंड हिडन लाइटिंग, फ्लश फिटिंग और हिडन लाइटिंग में भी इसका यूज होता है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट हासल फ्री, ठीक है, मोस्ट हासल फ्री एंड ईजी टू इंस्टॉल फॉल सीलिंग ये है, ठीक है, हासल फ्री और ईजी टू इंस्टॉल फॉल सीलिंग है ये। इसकी हम फीचर्स की बात करें तो ये भी लाइट वेट ये होती है हमारे पास, देन मॉइस्चर रेसिस्टेंट ये होती है, उसके बाद इकोनॉमिक, दैट मीन्स इसमें इसको बनाने में हमें खर्चा भी कम आता है। देन लो मेंटेनेंस, इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी लो है। देन वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ है ये, उसके बाद अलोज डिफरेंट शेप्स एंड कस्टमाइज डिजाइन, इसको भी हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं और इसका डिजाइन हम अलग अलग से डिजाइन बना सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये भी ड्यूरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑन यूज ऑफ फॉल सीलिंग, ठीक है, कौन कौन सी रिकमेंडेशन है हम फॉल सीलिंग को यूज करने के लिए, वो हमारे पास है। फॉल सीलिंग वर्क वेल ऑनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जो हमने ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन प्रॉपर विद टाइम, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट भी हमने करना है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, प्रॉपरली टाइम पे। देन प्रॉपर फ्लोर टू सीलिंग हाइट, ठीक है, जो प्रॉपर फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट कम हो। देन द मटेरियल इज चूजन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एम्बियंस रिक्वायर्ड, ठीक है, तो कौन सी एम्बियंस आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंसिडरेशन, क्लाइमेटिक कंसिडरेशन भी आपको वहाँ की देखनी है कि क्लाइमेटिक कंसिडरेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फॉल सीलिंग का यूज करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारे पास खत्म हो जाता है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखें स्टार्टिंग से, ताकि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट
share and subscribe my YouTube channel.